सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पर लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अजबत मुस्तफ़ा सैदी आला हजरत पर लाखों सलाम। आज जश्न ईद मिलादुलनबी के मौके पर हल्का नामपल्ली के कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब फिरोज खान साहब ने ब्लड डोनेशन कैंप पर आकर अपना ब्लड डोनेट किया और हिंदुस्तान के तमाम बल्कि तमाम आलम इस्लाम के और तमाम दीगर अकवाम के लोगों को ईद मिलादुलनबी की बगैर मजहब मिल्लत की मुबारकबाद दी। आइए देखते हैं चंद मनाज़िर। भाई भाई हाँ कोई बात नहीं चलो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आज मिलादुन्नबी के मौके पर इंसान फाउंडेशन उस्मान 5 साल से ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और इंसानियत का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर हर वक्त दिखता मेरे को। सबसे बड़ी बात हर एक मज़हब का इन आदमी यहाँ पर मौजूद रहता। आज आप देखिए यहाँ पर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है और रसूलल्लाह हमारे नबी हर वक्त इंसानियत की बात करें। कितने की जुल्म किए गए, उन पर तकलीफ़ दिए गए, हज़ारों तोहमत लगाए गए पर हर वक्त रसूलल्लाह माफ़ करते गए और इंसानियत के लिए काम करते गए। और आज मैं कोई सियासत के लिए आपके पास नहीं आया, आज हर वक्त मैं आता हूँ और इंशाल्लाह जब तक मेरी उम्र रहेंगी तब तक मैं उस्मान के पास आके मेरा ब्लड डोनेट करते हुए जाऊँगा। एक छोटी सर की चीज़ है जो आज मैं कर रहा हूँ और मैं आप सब लोगों को ये ब्लड डोनेशन कैंप जो सक्सेसफुली मेरी इत्तला के लिए सुबह से अब तक 1-2 हज़ार लोग आकर खून डोनेट करके गए। एक इंसान की मदद करना है तो खून से ज़्यादा क्या हो सकता। और एक मुसलमान आज दिखा दे रहा सारी दुनिया को कि आप मुसलमानों के ताल्लुक से गलत सोचते हैं। मुसलमान कभी भी इंसानियत पे रहता, मुसलमान कभी भी कुर्बानी की बात करता, मुसलमान कभी भी मदद करने की बात करता। ये है मुसलमान और ये है रसूलल्लाह जो अपनी ज़िंदगी अगर से किसको भी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमारे नबी जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे उस तरीके से आप गुजारिए। और इस्लाम कभी भी तलवार की नोक के ऊपर नहीं फैला, इस्लाम कभी भी कुर्बानी और इंसानियत पे फैला। जय हिंद। अल्लाह साहब एक सवाल मेरा ये था, कल अफवाहें फैली हुई थी कि आपके ऊपर हमला हुआ है, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? हमला तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और हमला इंशाल्लाह नहीं होगा क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो अल्लाह की राह में करता हूँ। फरिश्ते अतराफ़ रहते फिरोज़ खान के तो अल्लाह बचाने वाला है
اور میرے غریب بھائیوں کی دعائیں ہیں، غریب بہنوں کی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی اٹیک ہو نہیں سکتا. اگر سے ہو بھی گیا تو اٹیک میں فیروز خان کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک نام پلی کو میں ترقی نہیں دلاؤں گا اور نام پلی کو میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ میری جان نہیں لیں گا. جس دن میں نام پلی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی، اس دن میں مر جاؤں گا. جے ہند، اللہ حافظ. لا تفرض.